अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम नेटवर्क स्विचिंग को डिस्कस करेंगे। नेटवर्क स्विचिंग जो है, हमारे पास एक प्रोसेस है ओवर द नेटवर्क पैकेट्स को फॉरवर्ड करने का फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। स्विचिंग इज द प्रोसेस टू फॉरवर्ड पैकेट्स फ्रॉम वन नोड टू द अदर ओवर द नेटवर्क। एक नेटवर्क पर मुख्तलिफ जो है वो स्विचेज हो सकते हैं एंड नोड हो सकते हैं, यानी कि मोर देन वन नोड एंड स्विचेज ओवर द नेटवर्क हो सकते हैं। सो स्विच हमारे पास क्या है, एक स्विच जो है वो एक नेटवर्क हार्डवेयर है जो डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। इसको समटाइम्स ब्रिजिंग हब भी कहा जाता है और स्विचिंग हब भी कहते हैं। कुछ इस तरह का होता है जिसमें मुख्तलिफ जो है वो सॉकेट्स होते हैं जिनकी मदद से हम ओवर द नेटवर्क डिफरेंट नोड्स या डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। स्विचिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं, थ्री टाइप्स हैं। तो फर्स्ट वन इज सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग को डिस्कस करते हैं व्हेन टू नोड्स कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर अ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ, इट इज कॉल्ड सर्किट स्विचिंग। मतलब कि ओवर द नेटवर्क जब टू डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं, कम्युनिकेशन से पहले अगर उनके दरमियान टेम्परेरी या परमानेंट एक कनेक्शन इस्टेब्लिश या पाथ इस्टेब्लिश हो जाएगा, तो इट मीन्स वो हम सर्किट स्विचिंग को यूज़ करते हुए पैकेट्स को फॉरवर्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक नोड है जो कि डाटा ट्रांसफ़र करना चाह रहा है नोड टू को ओवर द नेटवर्क। देर आर डिफरेंट पाथ, लाइक इसका जो मैसेज है नोड वन का वो इस पाथ से भी जा सकता है, इस पाथ से भी जा सकता है। अगर तो जो डाटा कम्युनिकेशन है वो बाई यूजिंग सर्किट स्विचिंग हो रही है, तो सबसे पहला जो इसका जो स्टेप होगा सर्किट स्विचिंग का, वो होगा इस्टेब्लिश अ सर्किट। लाइक जिस तरह ये एक वर्चुअल सर्किट जो है वो इस्टेब्लिश हुआ सबसे पहले, फर्स्ट स्टेप बाय यूजिंग सर्किट स्विचिंग। सेकंड होगा इसी सर्किट पे ट्रांसफर होगा डाटा, एंड देन थर्ड वन इज डिसकनेक्ट हो जाएगा कनेक्शन। सर्किट स्विचिंग ज़्यादातर जो है वो वॉइस एप्लीकेशन के लिए यूज की जाती है। लाइक इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है टेलीफोन सर्किट स्विचिंग। सो जो नेक्स्ट टाइप है स्विचिंग की वो है मैसेज स्विचिंग। इसमें क्या होता है, इन मैसेज स्विचिंग द होल मैसेज इज ट्रीटेड एज डाटा यूनिट एंड ट्रांसफर्ड इंटायरली। सर्किट स्विचिंग का जो ड्रॉबैक ये था कि पूरा नेटवर्क जो था उसका एक पाथ डेडिकेट हो जाता था, यानी कि दूसरी कोई डिवाइस उसको यूज़ नहीं कर सकती थी। बट इसको रिप्लेस किया मैसेज स्विचिंग में, जिसमें पूरा मैसेज जो है दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करना चाह रही हैं, तो सेंडर जो मैसेज यानी कि दो डिवाइसेस हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं थ्रू मोर देन वन स्विचेस डिवाइसेस नेटवर्क डिवाइसेस। तो जो मैसेज होगा यानी फर्स्ट डिवाइस जो मैसेज सेंड करना चाहेगी उसको एज अ डाटा यूनिट ट्रीट करते हुए नेक्स्ट जो है वो उसको स्विच को सेंड कर दिया जाएगा। उस स्विच क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा फुल मैसेज को, एंड देन ये देखते हुए कि नेक्स्ट स्विचिंग डिवाइस अगर फ्री है तो उसको ट्रांसफ़र कर देगा। फिर नेक्स्ट स्विचिंग को इस तरह ही जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, एट द एंड जो है वो रिसीविंग साइड पर पहुंच जाएगा मैसेज। इस टेक्निक के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। फर्स्ट ड्रॉबैक ये है कि एवरी स्विच इन ट्रांजिट पाथ नीड्स टू इनफ स्टोरेज टू अकोमोडेट द इंटायर मैसेज। लाइक जैसे कि हमने देखा कि प्रीवियस में एक मैसेज यानी एक स्विच को पूरा मैसेज पहले स्टोर करना पड़ता था, देन वो फॉरवर्ड नेक्स्ट करती थी, जिसकी वजह से इसकी स्पीड जो थी वो काफ़ी स्लो हो जाती है। बिकॉज स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक की वजह से उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। फिर मैसेज स्विचिंग वॉज नॉट अ सोल्यूशन फॉर स्ट्रीमिंग मीडिया एंड रियल टाइम एप्लीकेशन। वो इसलिए क्योंकि एक स्विच को स्टोर करने के बाद समटाइम वेट करना पड़ता है कि नेक्स्ट स्विच के रिसोर्सेज अवेलेबल हों तो वो नेक्स्ट जो है पैकेट को फॉरवर्ड करें। सो इसलिए मैसेज स्विचिंग की टेक्निक को रिप्लेस किया पैकेट स्विचिंग में। इसमें क्या होता है कि जो हमारा कंप्लीट मैसेज है जो सेंडर ने सेंड करना है डाटा या मैसेज, उसको ब्रोकन डाउन कर लिया जाता है स्मॉलर पैकेट्स में। ये काम करती है OSI की जो 7 लेयर हैं उसमें डाटा लिंक लेयर या नेटवर्क लेयर में जो पैकेट्स हैं उनको सब पैकेट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है, और हर पैकेट्स का जो है हर जो डिवाइडेड पैकेट है उनमें मैक एड्रेस डेस्टिनेशन होस्ट का जो है वो ऐड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो है डिवाइडेड पैकेट्स हैं और इनको डिफरेंट पाथ से जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है ओवर द नेटवर्क। एट द एंड ये जो पैकेट्स हैं वो डिफरेंट पाथ से होते हुए रिसीवर तक पहुंच जाते हैं। इंटरनेट जो है वो मोस्टली इसी टेक्निक को यूज़ करता है। पैकेट स्विचिंग जो है वो लाइन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है, क्योंकि मल्टीपल एप्लीकेशन से जो डाटा होता है उसको मल्टीप्लेक्स करके ओवर द सिंगल कैरियर जो है वो
ट्रांसमिट किया जाता है। मल्टीप्लेक्सिंग को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो यहाँ क्लिक करें और वीडियो देखें। पैकेट्स आर स्टोर्ड एंड फॉरवर्डेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो प्रायोरिटी साइन की जाती है हर पैकेट को, और हर पैकेट का साइज कम होता है, इस वजह से स्टोरेज का भी इतना इशू नहीं होता पैकेट स्विचिंग में। तो आज की इस वीडियो में हमने स्विचिंग को डिटेल में डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर माई वीडियोज। अल्लाह हाफिज़।